जो लल्ला को किडनैप करने आया है। तगड़ी बारिश पड़ रही है यार। यू उठना है, फिर यू करके उठना है। आईफोन 14 मिल रहा है, वो भी 1900 रुपए में। और गाइस, गाइस कोई कमेंट में नहीं लिएगा, मेरी बीवी मोटी हो रही है। छोड़ छोड़, आज वही एक एक्सपेरिमेंट में ट्राई करने वाला हूँ। तो आप अजीब जानवर है। आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हो, तो आप लोग भी ट्राई करना ये वाली मैगी। आज सैटरडे और अब सुबह सुबह उठ के देखता हूँ मैं कि हमारा जो लल्लू राम है वो खेली खेली कर रहा है। लुका छुपी बहुत हुई, जाने भी दूर। ये रही हमारी बीवी। हेलो बेबी, हेलो हेलो। तुम पे प्यार आया। टाइमिंग, अपनी टाइमिंग यही है यार। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरी आंख इतनी जल्दी खुल जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। और सबसे बेकार लगता है मुझे। और एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, देहरादून का मौसम रहा हमारा। देहरादून में कुछ मौसम सुबह सुबह का, और आप देख सकते हो क्या तगड़ी बारिश पड़ रही है यार। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुस्थापा। और कैसे हो आप लोग? तो गाइस, बहुत टाइम से इंट्रो नहीं बोला था तो आज बोल रहा हूँ। कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम हो चुका है कि मैं आपसे नहीं मिला हूँ, क्योंकि मैं मिनी ब्लॉग में मिलता हूँ रोज, डेली मिलता हूँ। ये वाली पब्लिक है ना, ब्लॉग वाली पब्लिक है, वो थोड़ी अलग है, और वो वाली मिनी ब्लॉग वाली पब्लिक अलग है। तो बाकी आप लोगों से मैं बहुत टाइम बाद मिला हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा मिनी ब्लॉग को देखो और सपोर्ट करो। हम तो लल्ला के साथ खेल रहे हैं, और ये लल्ला की माँ लल्ली जो साइड में ये थूक दिए है, ये वो क्रीम मेरा मुंह दोनों साइड से मतलब फट रहा था, पता नहीं क्या हुआ, फट रहा था तो इस वजह से। आज मेरे यार की शादी है। ओ लल्ला, चल थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले। यू उठना है, फिर यू करके उठना है, फिर यू करके। पर इसको तो अपनी माँ को देने से फुर्सत नहीं है। मोटे एक्सरसाइज करेगा तभी तो हमारे तरह तू कद्दू नहीं होगा, तो अपनी माँ की तरह कद्दू हो जाएगा तू। ठीक है, तुम बहुत स्लिम ट्रिम, मैं दोनों की तरह। फिर अब चलो चलो चलो, अब सब आसन, कौन सा आसन? ओ बा 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 बा। करते हो तुम साले, आज तुम्हारी ना मैं पूरी तोड़ दूंगा। और ये रही हमारी मम्मी। सुबह सुबह मम्मी कहाँ बीत के आ रहे तुम? तो गाइस, तो हम आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे, आज क्या बनाते हैं देखते हैं यार, बारिश के मजे लेंगे। तभी तो प्रेशर मतलब थोड़ा सही रहता है, पीना चाहिए आप लोगों को। जिली उड़ दो, ये देख। सोचा गंदे बच्चे, जल्दी उठ जाया करो। ग्रीन टी झूठ बोल रहे, काली चाय को ग्रीन टी बता रहे हो? इसमें अजीब सी आ रही, शक्कर वाली। और ग्रीन टी कहाँ से लाए? थोड़ी सी वही डाली यार। मम्मी गप मार दो, ग्रीन टी बोल के, ग्रीन टी बोल के धोखा दे रहे, काली चाय पिला दी यार। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। गाइस देखिए, मेरी बीवी का दिमाग है, और उसने मुझे क्या चीज दिखाई है। ठीक है, इतने चौड़े में इसने मुझे बोला ना, मोटे आईफोन 14 मिल रहा है, और वो भी 1900 रुपए में। कवर है ना, कवर पढ़ना है, लिखना चाहिए, पढ़ा नहीं ना मैं नीचे। और इतने उससे बोली ना, मोटे वो निकल रहा है, देख ले क्या पता। मैं अला भाई, क्या बेवकूफ करपत्ती करती है यार, क्या करे, गवा रही मेरी बीवी। मजाक कर रहा हूँ गाइस, हो जाता है कभी कभी, बंदा एक्साइटमेंट में भूल जाता है। तो हमारी बीवी हेलो, कोई ग्रीन लॉन का बच्चा देख रहा होगा ना, वो गाली दे रहा होगा तुझे। ठीक है, बात मत बना ये बात करके। तो गाइस, बाकी बदमाश है मेरी बीवी, और आज छुट्टी वाला दिन है तो लड़ाई हो रहा है। इन दोनों का थोड़ा सा प्लान है कि ये पत्ता गोभी और इसकी बनाएंगे पराठे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और अब देखते हैं क्या से होते, कैसे टेस्ट होता है इन लोगों का है। के पराठे, अब पहलवान जी के पराठे गिर गया। देखिए अभी गिरती ना गाइस, यूक्रेन में जो भूकंप आया था ना, वो आज इस बार इंडिया में आता, मेरी बीवी अगर नीचे गिर जाती तो। वो जब सबसे ठंड तो गिर जाता है यूक्रेन में। ओह माय गॉड, आई लव यू मुझे भूख लग रही है, इनका अभी तक आटा नहीं गूंदा है। और ये रही हमारी इनका। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी बीवी थोड़ी पतली हो रही है, गाइस कोई कमेंट में नहीं लिखेगा मेरी बीवी मोटी हो रही है। हो जाता है गाइस, इस टाइम पे हो जाता है, मैं तो समझाता हूँ, पर कोशिश कर रही है मेरी बीवी पतला होने की, है ना। शक्ल दिखा देखो, अब मेरे को देखो, मैं तो स्लिम ड्रीम हूँ ना, तो मेरे जितना तो होना ही पड़ेगा इसे। मोटी को नहीं दूंगा, मोटी हो जाएगी।
यार सॉस के साथ तो मुझे लगता नहीं है कि बैठ पाएगा इसका हिसाब। मजा नहीं आया। तो भाई जो पत्ता गोभी के पराठे बना दिए और ये रही चटनी, और ये ना दरदरी पिची हुई चटनी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको ज़्यादा पीसना नहीं होता है, कम पीस के। और गाइस मैं तो सिर्फ सूखी रोटी खाती हूं। तो गाइस झूठ बोल रही है, अभी खाएगी, झूठ बोल रही है मम्मी। तो हम ये लोग खाएंगे अभी, लल्ला को या सालू सुलाने की कोशिश कर रही है, पर ये तो खाने में। हाँ भाई जी, खाने में इंटरेस्ट है तुम्हारा पूरा? प्लेट बना के मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ, क्योंकि इसने तो बैठे बैठे मोटा होना है ना। पूरे मजे ले रखे इसने पूरे। अब सैटरडे संडे तो मुझे बहुत परेशान करती है, अब क्या करें यार, करना पड़ता है। चलो छोड़ो, कोई नहीं यार, आप लोग भी क्या करो, अच्छा लगता है। चटनी के साथ खा के देखते हैं, मजा आ जाएगा। आजकल जो तुम्हारी बदमाशी हो रही है ना, मेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा घूम रहा है तुम्हें देख के। साले मार मार के ना तेरी हड्डी पट्टी कर दूंगा एक साथ, डरा कर मुझसे। मां भी डरती है, तू भी डरा कर। कौन है ये जो लल्ला को किडनैप करने आया है? लल्ला उसके पास आ ही नहीं रहा है, वो मेरे तरफ ही देखा था रहा है। मेरे बेटे को छोड़ दे। तो गाइस इसको थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहना रही है, साफ सफाई कर रही है थोड़ी सी इसकी, और ये सर खुजा रहा है अपना। उठ के दिखा, चल कैसे उठ रहा था अभी, उठ के दिखा। चल किधर खेलना है क्या तुझे? चुपचाप शांति से सो जा, नहीं तो तेरी तो हड्डियां पटलियां तोड़ दूंगा। आज क्या बनाना है खाने में? कुछ नहीं। मैं तो पिक्चर देख रही हूँ। और तू? तुम्हारी ड्यूटी है। ये उड़ के गाइस, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइस आप देख सकते हो फिलहाल अभी भी थोड़ा सा मौसम सही हो चुका है, ये वो कोहरा हो रखा है। ये रहा हमारा, अभी क्या हो गया? अभी नहीं खेलना, शाम को खेलेंगे तेरे साथ, देख सब बाद में। तुझे दिखा दिखा, अब तू छोड़ता है नहीं, फिर तुझे बोल दो छोड़ 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 दे ना मेरे बच्चे, छोड़ दे। अब खेलूं कैसे तेरे साथ इसके साथ? ना मैं नहीं आ रहा, बनाने का किसी का मन नहीं था, पर पापा की वजह से बनाना पड़ा। थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। दाल ही बनाई है सिंपल सी अपनी, और ये जो चटनी वटनी तो दिन की है। ये तो बड़ी थी। हाँ, ऐसी सुगड़ गई वो, खुद ही सुगड़ी। एक ही बार धोई क्या? दूसरी बार, दो बार धुल के सो गई वो। अच्छा, आपकी थी कि सालू की थी? अरे बड़ी थी, कपड़ा अच्छा था। अभी गाइस फिलहाल अभी मैं उड़ गया था, और अभी बज रहे थे शाम के 6, और मेरे को बड़ी भयंकर नींद आ गई थी यार। और मम्मी पापा लोग भी जा रखे हैं अभी, मेरी नींद तो अभी तक नहीं खुल लगता है। तो मम्मी पापा लोग तो जा रखे हैं अभी कहीं पे, और बहन लोग भी नहीं है, तो मैं शालू और हमारा प्यारा सा लल्ला है यहाँ पर। हेलो कर दो, हेलो। तो अभी देखते हैं, फिलहाल मेरे को एक मैगी वैगी का चैलेंज करना था, तो मतलब मैगी चैलेंज क्या था, वो मैगी बनानी थी, एक यूनिक टाइप की मैगी है, तो इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो के लिए बनाना है क्योंकि मैंने, तो अभी वो बनाएंगे। और अभी मेरे को वीडियो भी एडिटिंग करके डालनी है, मैंने वो भी नहीं किया आज। मतलब मैं बिल्कुल फ्री हो रखा था, और आज मैं दिन भर पूरे मजे से सोया हूँ, टीवी पिक्चर देखी है मैंने और मजे किए। ये मौसम में सोने का जो मजा है ना, वो कुछ नहीं है यार। और बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपको शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं मेरे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करना एक बार। सो गाइस आ गए हैं सब लोग, ये लोग भी आ चुके हैं, और बताइए। और अभी मैं बनाऊंगा वही वाली मैगी, वो वाली मैगी बनाएंगे, वो मैं नहीं बनाऊंगा। तो गाइस फिलहाल अभी वाली मैगी बनाते हैं। फिलहाल अभी आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सा मुंह में क्रीम व्रीम लगा के मैगी बनाने। तो इसके साथ हम बनाने वाले कुछ तगड़ा सा मैगी, जो है ना मैगी ने बहुत कुछ देखा है यार अपने साथ जिंदगी में। पहले मैगी एक सिंपल बनती थी, आज मैगी के 10 प्रकार की चीजें और एक्सपेरिमेंट इतने होते हैं, तो आज वही एक एक्सपेरिमेंट मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरी शॉर्ट वाली वीडियो जरूर देखो, एक्सपेरिमेंट क्या है आपको वही पता लगेगा। तो बाकी अभी मैं बनाता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको सीधा दिखाऊंगा मैं कैसी लग रही है मैगी, और खाते हुए दिखा दूंगा शायद। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है मैगी के साथ। तो चीजी मैगी है, और ये विदाउट चीज है, इसमें कोई चीज नहीं डाला है, पर आप देख सकते हो पूरा चीजी मैगी की तरह लग रही है। तो बाकी अगर आपको रेसिपी जाननी है तो आपको मेरी शॉर्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, दोनों साइड, ये पहले आएगी कि वो पहले आएगी, पर जब भी आएगी आप वाली वीडियो जरूर देखना। तो बाकी भी खाते हैं मैगी विदाउट चीज, बट इट इज चीजी मैगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, का वो की कहेंगी इन्हें ऐसी चीज बहुत पसंद है फास्ट फूड ले नहीं मैं हैंडराइटिंग ठीक है मतलब अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है।
मैगी खा के मेरे अंदर शक्ति आ गई है और अब मैं इसके साथ पंजा लड़ाऊंगा। आजा आप देख सकते हो मैगी खा के मेरे अंदर कितनी पावर आ गई। तो आप लोग भी ट्राई करना ये वाली मैगी, आपके अंदर भी ताकत आ जाएगी। मेरे अंदर इतनी जान आ गई है कि अपनी बहन को एक हाथ से ऐसे उठा देता हूँ। बहन तो भारी हो गई। मैंने सोचा था 40 किलो की, पर ये कम से कम नहीं तो 60 किलो की हो चुकी है। इतना भी नहीं है, बहुत भारी है। अरे तू आजा। नहीं मैं तो गिरा दे मुझे, तो फिर मेरे को बैठा लो। तो क्या ये कम गाइस 70 किलो तो ये भी गई नहीं गई। हेलो नहीं यार रहने दे। अब जब नश नश से देख गई तो मुझे गाली देगा। अबे ध्यान से खड़ी होना, पहले उठने वाला खड़ी होना। उछल रहा है गाइस, ये सब घर पे कभी ट्राई मत करना। तुझे नहीं बताती थी पहले? मैं तो पहले की बात अलग थी। तुझे का तरीका होता नहीं, ऐसे करा ऐसे पड़ता नहीं कि छोड़ना। देखा उठने का तरीका होता है। सो गाइस जाननी है तुम्हारा अंदर हमने किस उठाया तुम्हें यूं। हमारी बीवी थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी हो गई। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आपसे ऐसे मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। और आप मुझे बताते रहिए कि क्या क्या करते रहना चाहिए और क्या क्या ट्राई करते रहना चाहिए, मैं वो करता रहूंगा ट्राई। कि आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और एक वीडियो में 2 लाख व्यूज भी पड़ चुके हैं। तो सब लोग सब चीज आप लोगों के सपोर्ट से है, तो धन्यवाद इस चीज का। तो आपसे ऐसे मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आपसे ऐसे मिलते रहेंगे हम। अंजलि जी हाथ खड़े।